नमस्कार दोस्तों। अब नौवीं नौवीं ट्रॉली भरी जाएगी ना, भाई नोवी। हाँ नौवीं ट्रॉली भरी जाएगी दोस्तों। मम्मी जी 2-3 दिन से रेस्ट पे चल रही हैं, और जब हमारी मम्मी रेस्ट पे चली जाती हैं या कहीं छुट्टी चली जाती हैं हॉलीडेज पे, तो जो है जो पशुओं का काम है वो मेरे हाथ में आ जाता है, और बहुओं की ड्यूटी लग जाती है दोनों टाइम दूध निकालना ये वो। क्योंकि दोस्तों हमारे एक दो इंटरेस्टिंग पशु ऐसे हैं कि जो बहुओं को बर्दाश्त नहीं करते। अभी वे मालकिन जो है अपनी मम्मी को ही मानते हैं, तो उन्होंने कहा तुम बाहर से आई हो, अभी तुम्हारा एक्सेप्ट करना हमारे लिए नागवार है, तो इसलिए वो उन्हें मारते हैं। तो दोस्तों जब दूध निकलता है तो हमें खड़ा होना पड़ता है, हल्की सी झलक लगवा देंगे बीच में। अभी तो खैर उनकी नाई है, और मम्मी कई दिन से बीमार चल रही है आज शाम को हमारी, लेगा, मैं आज बता रहा राहत हूँ मम्मी है, का। और पापा जी भी अब कुल मिला के ठीक है, खेत में घूम के आए हैं वीडियो बना के, और बबलू भाई भी अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अपना काम पे जाने लगे हैं। और दोस्तों मेरा तो आपको पता ही है, बीमार भी हो लिया फिर ठीक हो लिया फिर हो लिया फिर चलता रहता है, पसीना नहीं सूख ये पाता। और जो आधा आपको उतरता ही नहीं। आप अब किसान का घर है भैया, जुआ क्या उतरेगा है? यहाँ हमारा तो सिलेंडर भी सुबह को ही खत्म हुआ है जब हम नींद में से उठे हैं। और दोस्तों यहाँ तो चाय पियाओ जहाँ घर के, दुलत्ती बाज हो जाए, ये करो वो करो वो करो वो करो। और दोस्तों आपको दिखाता हूँ पशु, देखो कैसे मजे लेते हैं किसान के घर में। ये यहाँ भैंस खंपाड़ हमारी तीसरे बार की जोटी जो है अपना मन मर्जी में मजे ले रही है, ये रात में अंदर बनती है। और फिर ये जो है, अरे होश ही ले 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 लो केले ले लो ले लो ले लो दोस्तों। ये अपनी काली कपिला मजा अपना पहले सन्नी खा चुकी है। मैंने शाम के लिए इसका हल्का भूसा रख दिया है इसमें, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा सूखा भूसा भी चबाना पशुओं के लिए जरूरी है। इन्होंने रात की सन्नी सुबह भी बची हुई खाई थी, फिर एक सन्नी ये खा चुके हैं जिसमें कि घर का बचा हुआ धोवण वगैरह आता है। दोनों लवारे फिट हो चुके हैं, इनके लिए भी मैंने थोड़ा सा सूखा भूसा डाल दिया है। जो मिष्टा है वो अपनी जो है कुट्टी खा रही है, और इसकी भी सन्नी कर दी है। और आज लाल गाय को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालना था, वो सीन मिस हो गया। सकेर सोर के बुग्गे में गोबर भर दिया था, पूरा यहाँ धो के सेट कर दिया था, और फिर जो है गाय आराम से बैठ गई है थोड़ी सी सन्नी खा के। दोस्तों बुधिया भी अपने काम पे लगा हुआ है, पंखे बंद कर दिए हैं, पूरी यहाँ साफ सफाई कर दी थी, धो दिया था यहाँ बढ़िया तरह, और जो है गाय अब आराम से बैठ गई है। अब दोस्तों खेत में चलेंगे, आज जो है आपका फोड़ तो नहीं जाएगा, अब जो है मैसी जाएगा, उसे रूटावेटर में से छोड़ लेते हैं। दोस्तों मैसी के पीछे जो है रूटावेटर जुड़ा खड़ा है, अब इसे यहाँ से छोड़ देते हैं, इसकी असेंबली यहाँ से हटा देते हैं। दोस्तों रूटावेटर मैंने छोड़ दिया है, अब इसमें जो है हिच की पिन लगाएंगे, और इसमें हेडवार पट्टी लगाएंगे, और इसके नीचे यहाँ से चारा हटा के जो वेट है इस वेट को लगा देंगे। कई बार रूटर जो है आगे आ जाता है, उधर ब्लेड भी लगा है, अभी से थोड़ा सा आगे सरका के हेडवार पट्टी लगाते हैं इसमें। तो हिच की पिन भी लग गई है, हेडवार पट्टी भी लगा दी है, अब बस इस पे पानी का थैला, खेत का थैला लटका के, और अपनी जैकेट रख के, और 2 डिब्बे पानी गेर के अंसी आने वाला है, फिर मैं जो है लेके चल दूंगा। ट्रॉली भरेंगे आज, कई दिन से गन्ने नहीं भरे गए। तो ट्रॉली जोड़ ली है, अब चलेंगे। अंसी ने गेट भी खोल दिया है, ट्रॉली भी जोड़ दी, अब चलेंगे, अब अंसी को उतारेंगे। और वहाँ भी पिन जो है मजा कर रहा है, तो वो दोनों ट्रॉली सुबह गन्ने डाल के आ गई है, और हम अब भर रहे हैं, 4 बजने वाले हैं शाम के, चाय ले ली है, अब चलते हैं। ये ट्रॉली आ गई है, ट्रैक्टर यहाँ खड़ा है, ये रात में जाएगी, छूट वाले टाइम में जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, इसे पूरा ऐसे घुमा देंगे। चलो बा
नमस्ते जी नमस्ते। और राका बढ़िया तो हमने पापा जी वीडियो बना रहे हैं, अवंशी को उतारेंगे। अवंशी उतर गया है दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों खेत में उतर गए हैं, मिंदर ने चाय उतार लिया, अब भी आ जाओ चाय पी लो। और अब गाड़ी भरेंगे और मैं आपको एक बहुत खासम खास चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि ये पत्ती का पता नहीं पा रहा है खेत में बिल्कुल भी, आप देख लो बहुत ही बेहतरीन जो है नज़ारा पेश हो रहा है। इसने गेहूँ बू गए हैं और अभी इतने ही और बूने हैं आगे, जो है बाढ़ चल रहा है इधर टिंग टोंग। जो ये एक ट्रॉली और भरेंगे यहाँ से अब, और जो है करीब 4-5 ट्रॉली गन्ने रह जाएंगे, जो मैं आपको एक नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। आप बहुत गौर से उसे देख लेना, अभी तो खरा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। देख सकते हैं किस तरह से कॉलर कतरिंग हुई है, दूर तक देख सकते हैं नज़ारा। तो हमारे साइड में देखो पहिए के बराबर में कितनी जो है घास छूट रही है, और यहाँ देख सकते हैं आप कितनी जो है कतरी गई है। ये पीछे की चक्रोड़ से करीब एक बिलहान फासला कर दिया गया है। अब दोस्तों वही बात हो जाती है, जब हमारा इधर से खेत जुतेगा तो देखो हमें भी मजबूरी में अब काटनी पड़ेगी। ये यहाँ से हमें जो है पहिया की जो हद है, पहिए से हद छोड़ के हमें सारी जो है कतरनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो है काफ़ी जो है कतर दी गई है और आगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाया गया है चक्रोड़ को। लेकिन चक्रोड़ तो कहीं नहीं भागी, इधर की मट्टी उधर लगी, उधर की उधर लगी। ये तो इंसानी वहम होता है दिमाग में कि मैं यहाँ काट दूंगा, मैं नुकर दूंगा, मैं नुकर दूंगा, लेकिन दोस्तों इससे जो है नुकसान ही है। अब ये देख सकते हैं अब यहाँ आके तो जो है गड़बड़ पूरी कर दी गई है, कतरी गई है पूरी, जो है इसकी एक कनौती ही बना के इंगे धर दी है। और आगे भी जो आप देख सकते हैं ये हमारे खेत के यहाँ से आगे यहाँ एंड आ जाता है इसका, और ये नाले का बम्बा बना दिया गया है। इस हमारे डोले पे बहुत ज़्यादा स्प्रे मारी जाती है घास फूकने की दवाई की, झुंडे भी हमारे बहुत ख़त्म हो गए। पहले पूरा डोला जो था ये पूरा यहाँ पे था, इसके बराबर में इतना पैरों के बीच में ये हमारा पत्थर गड़ा हुआ है, ये डोले के सेंटर में था। अब ये बिल्कुल देखो निखर गया है, पत्थर गाड़े गए हैं हर जगह बचाने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब ताली एक हाथ से बजती नहीं है। अगर आपको चक्रोड़ को बिल्कुल सही रखना है तो आपको भी काटनी होगी, एक साइड से इधर से भी कतरनी होगी ज़रूर, क्योंकि नहीं सो इन्होंने दाग बेल दे दी है अपनी। क्योंकि दोस्तों ये चक्रोड़ की जड़ में सरकारी नाली है, लेकिन ये इसे पूरी नाली ना छोड़ के इसे ऐसी छोड़ते हैं कि जिससे इस पर झगड़ा हो। लेकिन दोस्तों हम बिल्कुल भी इस तरह के मूड में नहीं रहते। पीछे की आप देख सकते हैं, पीछे की जो सूद आ रही है, आ रहा हूँ गाल दे, ये देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो, देखो पीछे की जो सूद है, जो वो पीछे से मिडल सेंटर आ रहा है, वो आते हुए ट्वेल की तरफ दब गया है हमारी ट्वेल की, और फिर ये आगे से करीब एक बिलहान कम हो गई है। लेकिन घास फिर उगाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पीछे तो खरी इन्होंने इसलिए नहीं काटी ज़्यादा, इन्हें पता था दूसरी साइड में हमारा भी खेत गहरा है, वहाँ भी नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ तो लेवल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किधर भी काट के किधर को भी कर सकता है। अब दोस्तों वही बात है कि जब इन्होंने पहिए तक कतर दी है तो हमें भी पहिए से अलग कतरनी होगी, अन्यथा ये जो है एक डेढ़ मिलान हमारी तरफ दब जाएगी। अब आगे गन्ने भर लेते हैं। ये कई दिन में छुट्टी मारी इन्होंने, करीब 10-12 पुली पहले छुली पड़ी थी। अब ट्रॉली भर गई है, आठ फेर आगे हैं और 7 फेर पीछे हैं। और दोस्तों चंदा मामा भी निकल गए हैं, गोले ऊपर ही रख लिए हैं, और जो है खूड बिल्कुल ऐसे सीधे हैं हमारे सामने, ट्रॉली ऐसे तिरछी खड़ी है, यहाँ सामने जाएगी चक्रोड़ पे। देख लेके चलते हैं, ऊपर वाले का नाम लेके इसे लेके चलते हैं।
तो ब्रो कर लो स्टार्ट। चलो तो भाई चलो, थोड़ा सा वैसे जैसा बर्फ पड़ रही है उसी हिसाब से थोड़ा सा ट्रैक्टर पहले ए पत्ती हटाओ आगे की जरूरत ना। चलो तो भैया कोई बात नहीं, तो दोस्तों इसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। दोस्तों थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इतना अपना और सामान ढूंढते हैं रखते हैं और फिर जो इसे लेकर चलते हैं। ये नौवीं ट्रॉली भर गई है और अभी पीछे एक ट्रॉली गन्ने और खड़े हैं इस क्यारे के। ये दो क्यारे कट रहे हैं एक साथ, इसमें से तीन ट्रॉली हो गई हैं, बाकी गेहूँ बो गए हैं इधर, इधर गेहूँ बो गए हैं और अभी ये सामने चार ट्रॉली गन्ने और हैं जो अंदाजा है। हम आपस में लड़ रहे थे कि गन्ना गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन दोस्तों कुदरत वाले को जो चीज़ देनी होती है वो देता ही है कैसे किसी भी रूप में। अभी तक हमारी ज़िंदगी में गिरा हुआ गन्ना इतना नहीं निकला, लेकिन दोस्तों ये बात गौर करने की है कि ये गन्ना बिल्कुल लास्ट की बारिश में गिरा और फिर जो दो बारिश हुई तो उससे इसे लाभ मिला। अब इसे हौले हौले हल्की हल्की टेडी टेडी चक्रोड़ की तरफ लेके चलते हैं। खूड़ ये है सामने और इसे ऐसे ले जाएंगे टेडे। गोले उतार लिए थे और गोले हम मशीन पे खुल गए हैं, सब सो चुके हैं, काम निपट गया है। अब मैं सुबह के लिए ये यहाँ काट के छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं सुबह जो है किसी भी टाइम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, क्योंकि 10 बजे तक का टाइम है तो किसी भी टाइम जो ट्रॉली भर के खड़ी कर दी है किसी भी टाइम ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे तक मील में चले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे काट के छोड़ दूंगा यहाँ और ये पशुओं के लिए यहाँ पल में डोर लगा दी है बहुत अच्छी। ये मेरा छोटे छोटे बछड़े का, छोटे बछड़े का जेवड़ा था हंडाने का, बारीक वाला बिल्कुल, क्योंकि बछड़े को ज़्यादा नात की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए बिल्कुल पतला है कन की उंगली जैसा। और ये इसमें अरेंजमेंट है बांधने वाला, तो ये मैंने पल पे बांध दिया है। यहाँ दोस्तों पल लगा दिया है, और यहाँ से बिल्कुल चकाचक सफाई कर दी है, बिल्कुल साफ। ये यहाँ बिल्कुल चकाचक करके, क्योंकि झाड़ू वाड़ू मार के साफ रखना पड़ता है, सुबह तक सूख जाता है। खोरों में हाथ घुमा दिया है। कोने साफ करने बिल्कुल ज़रूरी हैं, चारा बीच में कर दिया है, कटिया की में भी सफाई कर दी है, झाड़ू वाड़ू मार के बिल्कुल ओके कर दिया है चकाचक, जो भी गोबर था ऊपर डाल दिया था। और ये यहाँ तीनों सेट हो गए हैं, क्योंकि ये तीनों, इन तीनों की फ्रेंडशिप है तो इनका मन ही लगता है। और दोस्तों अब मैं सोच रहा हूँ एक पल यहाँ भी लगा दूँ, तो अभी जो है कुट्टी काटने के बाद में इसे और बंद करेंगे यहाँ से, क्योंकि जो है रात में पाले का असर जो है अंदर आता है, तो यहाँ कोशिश करूँगा यहाँ बंद करने की, जिससे इन्हें जो है गर्मी बनेगी। और अगर पल पूरा बड़ा मिल गया तो इसे ही बंद कर दूँगा, तो फिर अंदर भी जो है पाले की हवा नहीं आएगी। और ये यहाँ सेट हो गए हैं, सूखा कर दिया था, पशु जो है खाते रहते हैं और गोबर करते रहते हैं, इनकी जीवनचर्या ऐसी चलती रहती है। ये यहाँ भी सफाई कर दी थी बढ़िया तरह, सारी चीज़ें धोकर रख दी हैं। और ये भी बंद करना पड़ेगा, ये जो यहाँ इसमें से हवा आती जाती है, इसको ऊपर भी छत कर रखी है लकड़ी की, लेकिन ये इसमें हवा आती है तो ये भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर जनवरी ज़्यादा सर्दी के होते हैं। आज फोड़ नहीं गया था, गन्ने भर के मैसी पे लाए हैं, ये अपनी ड्यूटी वाला गया, अब ये कल जाएगा, कल का सारा गोबर डबल हो जाएगा गोबर, सब भर के ले जाएंगे। किसान की जो लाइफ है चैलेंजिंग है। आज जो है इनके सिंगों पे सबके, ये धूप में सरसों का तेल डीजल का तेल मिला के गर्म कर रखा है, तो धूप में गर्म कर लिया था, सबके सिंगों पे लगा दिया था, हल्की सी मालिश कर दी थी इसकी। और दोस्तों अब कुट्टी काटते हैं, इतने खोर साफ कर लेंगे बढ़िया तरह, इनके नीचे भी सूखा कर दिया है। अब चारा काटते हैं, फिर आपको दी एंड करते हैं व्लॉग का। कुट्टी कट गई है 20:35, दो कम कर लो, 8:35 हो गए हैं।
दोस्तों किसान का काम ऐसे ही रहता है। और ये मैंने फिर इसके साथ में एक छोटे पल की असेंबली बनाई है, क्योंकि रात में ठंड रहती है, पाला ज़्यादा पड़ता है। तो ये तीनों जो पशु हैं बेचारे, इनकी रात कट जाए, तो इसके लिए मैंने यही असेंबली बनाई है। दोस्तों बनानी तो ये ऊपर तक है, लेकिन वहाँ बांधनी पड़ेगी ऊपर उस जॉइंट में। तो इसके लिए मैंने अभी फ़िलहाल ये छोटा पल लगा दिया है, जिससे ये यहाँ की हवा अंदर ना आए, थोड़ा ये यहाँ गर्मी महसूस करें बेचारों की, इनकी जितनी भी हो सके। अब ये तीनों एक दूसरे के बगैर रहते नहीं। काली गाय जो थी एक दिन अंदर बांध दी थी, तो वो अंदर डिस्टर्बेंस रहा, क्योंकि वे एक्सेप्ट नहीं करती उसे, और ये फिर परेशान रहे इसके बिना। तो रात में खोल के इधर लानी पड़ी, तो ये तीनों चारा खा के आराम से बैठ गए हैं। और दोस्तों कुंदे, ये कुंदे भी आप देख के हंसोगे, वो जो सबसे ऊपर है वो तो रोटावेटर के साथ में आया था। जिनके पास में मैशियों का रोटावेटर है, उन्हें तो पता होगा, जो ट्रैक्टर से छोड़ने के बाद चकोरे को लटकाने के लिए होता है, फिर उसके नीचे स्टील की बाल्टी का है, फिर दूसरी बाल्टी का कुंदा है निकला हुआ, फिर ये एक पेंट की बाल्टी का है, और ये एक छोटे डिब्बे का है। फिर आगे मैंने यहाँ डोर बांध दी है, फिलहाल के लिए असेंबली बना दी है काफ़ी अच्छी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए।